कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा सोमवार को राजधानी रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के राजीव भवन में उनके साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजीव भवन में अपने साथ हुई अभद्रता का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर न्याय न देने का आरोप लगाया। कांग्रेस भवन में अपने साथ हुई अभद्रता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। महिलाओं से कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता की जाती रही है। कांग्रेस सरकार में तो गुंडों को बचाया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस घर की महिला को न्याय नहीं दे सकती, इनको प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने ये भी कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर महिलाओं के हितों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर अपनी ही पार्टी की महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाते। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में महिलाओं को पीटा जाता है। यहाँ पे है, उनको मैं पहचानती हूँ, कहीं से मैं 7 साल से बात करते आई हूँ प्रेस वार्ताओं के जरिए भी, तो आप लोग गवाह है उस चीज के जो मेरे साथ घटी थी। लेकिन उस पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं राहुल गांधी इस समय विदेश में है, और जब वो विदेश जाते हैं तो हमारे देश के बारे में कुछ टिप्पणी ना करे ऐसा होता नहीं। हालांकि जातिगत जनगणना पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सामने आया जिसकी मैं 2-4 लाइनें बोलूंगी क्योंकि इंग्लिश में है। आज उन्होंने कहा कि बैड एटीट्यूड दैट इंडियन मेल्स हैव टुवर्ड्स वुमेन, उसके पूरे बारे में, दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन मेल्स हैव अ वेरी बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड आई एम ऑल फॉर वुमेन ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। और उन्होंने आगे जाके ये भी कहा दैट द मेन फाइट ऑफ आइडियोलॉजी एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस इज द वे दैट दे लुक एट वुमेन। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि महिलाएं घर में रहें, खाना बनाए, बोले ना, चुप रहें, जबकि हम चाहते हैं कि महिला वो सब करे जो वो चाहती है। ये उन्होंने अमेरिका में जाके बोला। मैं आज आपके माध्यम से राहुल जी से पूछना चाहती हूँ कि वहां बैठ के जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा है नहीं जो उनकी पार्टी में होता है कि उनको पता नहीं है। हम सब राहुल जी के साथ काम कर चुके हैं, हम सबके पास उन तक एक्सेस है, उन तक बात पहुंचती है, और मीडिया में जो चीजें होती है वो भी पहुंचती है। ऐसा तो है नहीं वो टीवी नहीं देखते या ट्विटर नहीं खोलते, सब पता रहता है। तो जब अपनी ही पार्टी की महिलाओं को वो न्याय नहीं दे सकते, अपनी ही पार्टी की महिलाओं को कहते हैं चुप रहो, अपनी ही पार्टी की महिलाओं को कहते हैं न्याय मत मांगो, तो ये जाके विदेश में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कैसे हैं? इतनी उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाए? अब विदेश से हम देश में प्रदेश में आ जाते हैं, बात सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, शुरुआत सिलसिलेवार चलते हैं। आप सब वाकिफ है कि जब यहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो पूरे देश से विभिन्न विभिन्न नेता आए, उनमें से एक हमारी दलित नेत्री थी कांग्रेस की उस समय, अर्चना गौतम जी, जो स्वयं बेटी लड़की हूं लड़ सकती हूं की ब्रांड एम्बेसडर थी, क्योंकि स्वयं प्रियंका गांधी जी ने उनको टिकट दी थी उत्तर प्रदेश से, और स्वयं प्रियंका गांधी जी उनके चुनाव प्रचार में भी बहुत गई थी, उनके साथ गाड़ी की छत पे बैठ के खूब हाथ हिलाए थे। लेकिन जब वो बेटी यहां आती है तो क्योंकि वो एक दलित बेटी है, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और उनके जो पीए है संदीप सिंह वो उसको धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस लड़की ने आवाज उठाई, जो बात कही जाती है ना न्याय मांगा, आवाज उठाई, बात आगे क्या हुआ? आगे यहां तक सीमित नहीं रहा, वो बात अलग है कि फुटेज गायब कर दी गई, कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, बघेल जी की पुलिस थी, कांग्रेस की पुलिस थी, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो लड़की दिल्ली जाती है, एक दिन हमारे कांग्रेस के, मेरी पूर्व पार्टी के, अभी भी निकल आता है, 22 साल जिस पार्टी के साथ रही हूं, तो जब वो कांग्रेस के मुख्यालय जाती है 24 अकबर रोड, तो यही संदीप सिंह, यही प्रियंका गांधी का पीए, वो मैसेज भी करी थी प्रियंका जी को, वो मैसेज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और कहा था कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूं, वो प्रियंका जी से मिलने आई 24 अकबर रोड, और संदीप सिंह ने 24 अकबर रोड पर गुंडे भेजे, कार्यकर्ता के रूप में गुंडे भेजे, जिन्होंने जाके उनको मारा पीटा। वो अपने पिताजी के साथ वहां गई थी, पर कांग्रेस मुख्यालय, हमारा जो भी कार्य दफ्तर होता है आपके लिए, आपके चैनल का, आपके अखबार का मुख्यालय, वो हमारे लिए मंदिर होता है, हम उधर अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी, उसके मुख्यालय में 24 अकबर रोड में, जो एक मंदिर है सबके लिए, हर कार्यकर्ता के लिए,